आज से 2400 साल पहले भारत में एक ऐसे अमर ग्रंथ की रचना हुई जो पृथ्वी के अंत तक कायम रहेगी। वैसे तो विश्व में कई भाषाओं का सृजन हुआ, परंतु इस ग्रंथ को हर भाषा ने अपनाया। ये है वात्स्यायन कामसूत्र। काम पवित्र है, इससे ही हमारा सृजन होता है। सृष्टि के आरंभ में भगवान प्रजापति ने धर्म और अर्थ के साथ काम पर भी उपदेश दिए, और कहते हैं उन्हीं उपदेशों के आधार पर भगवान महादेव के अनुचर नंदी ने वात्स्यायन के रूप में जन्म लेकर कामसूत्र की रचना की। ये इतिहास उस वीर तेजस्वी पुरुष का है जो धर्म, अर्थ, युद्ध और राजनीति के आचार्य थे। उनका प्रारंभिक जीवन काल युद्ध और राष्ट्र सुरक्षा में व्यतीत हुआ। फिर एक दिन सम्राट से मनमुटाव के बाद उनका राजसत्ता से मोह भंग हो गया और वे राजनीति से संन्यास ले अज्ञातवास पर पाटलिपुत्र से निकल पड़े।